नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। हिमाचल प्रदेश में कुदरत कहर बरपा रही है। शिमला से लेकर मंडी तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी दे रही हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। बारिश के कोहराम से झेल रहा है, जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, कई वीडियो आ रहे हैं, वो सबके दिल दहला दे रहे हैं। और इससे में सवाल ये है कि आखिरकार इस तरीके की त्राहिमाम की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या ये सिर्फ प्रकृति की जिम्मेदारी है या फिर इंसान भी इस तरीके से पहाड़ों में जाके घर बसा लेते हैं? कई तोड़फोड़ उनके द्वारा की जाती है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इसी को लेकर क्या प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, विकराल रूप दिखा रही है और कई घर जो है वो टूट गए हैं। वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं, लोगों की चीख पुकार हर जगह मची हुई है। जलमग्न कई इलाके हो चुके हैं, कई ऐसे रोड है जिसमें आवाजाही बाधित हो चुकी है, मलबा लगातार गिर रहा है और इसलिए लोगों की जान जो है वो हिमाचल प्रदेश में जोखिम में नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम खुद धरातल पे जा रही है और जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को बता दें कि प्रदेश आपदा घोषित कर दिया गया है, राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और इसके बाद से अब राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि काफी नुकसान हुआ है, 10,000 करोड़ तकरीबन नुकसान हुआ है, 7-8 हजार से भी ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं, टूट फूट गए हैं। अब लोगों को सहायता राशि भी देनी होगी और ऐसे में केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी जल्द मुलाकात होगी, कैबिनेट मंत्रियों से जल्द मुलाकात कर सकेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। और आगे क्या राहत बचाव कार्य में देखा जाना है और क्या उनको कितने मुआवजा देना है, क्या केंद्र की सरकार से भी मुआवजा दिया जाएगा, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित। बीजेपी की पंचायती राज परिषद की तीसरी बैठक दमनदीप में आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, हमारे संवाददाता अमन त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। दमन और दीव में जिला पंचायत सदस्य सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। आपको बता दें, इस सम्मेलन में 600 से ज्यादा जिला पंचायतों के सदस्य जुड़े हुए थे। पीएम मोदी ने इस दौरान इन सदस्यों का संबोधन किया, साथ ही संगठन को मजबूत करने के टिप्स भी देते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने यहां पर सदस्यों को ये टिप दी कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आपके जिला में जो भी विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उसकी जानकारी एक दूसरे को दें, साथ ही एक साल में 3 सामाजिक कार्यों की सूची बनाएं, इस तरीके से आप 5 साल में 15 विकास कार्यों को कर पाएंगे। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी ने पंचायती राज विकास कार्यक्रम को लेकर इस बात की जानकारी दी कि पहले पंचायती राज के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, जो कि अब बढ़ाकर 3 लाख से अधिक कर दिया गया है। वहीं साथ ही कई पंचायती भवनों का, करीब 30,000 पंचायती राज भवनों का यहां पर निर्माण किया गया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी मौजूद थे, उन्होंने पीएम मोदी की सराहना की, साथ ही हो रहे विकास कार्यों पर भी बात करते हुए नजर आए। कैमरामैन निक्की के साथ अमन त्रिपाठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नोएडा दौरे पर आए, क्या है पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे थे, लेकिन बता दें कि उन्होंने आज एक पुलिस बल समूह पुलिस रिजर्व लाइन पहुंचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 करोड़वां पौधा लगाया, उसके बाद एक संबोधन को भी जो है संबोधित किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार जो है पौधारोपण को समूपन कर रही है, लेकिन उसके बाद लगातार जो पौधे हैं वो 5 करोड़ से ज्यादा लगाए जा रहे हैं। पैमाने पे पौधारोपण का अभियान चलाने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। 3 साल पहले विभाग स्तर पर 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था। अमित शाह ने कहा कि मंत्रालय में जब इस प्रकार की चर्चा हुई और अभियान को शुरू किया गया तो कई लोगों को संशय था। दिसंबर 2023 तक 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य को हासिल किया जाने को लेकर भी अधिकारियों से खुश होने लगी थी। मैं मंत्री था, मेरे सामने तो नहीं, मेरे पीछे यह बात होती थी कि आखिर हम 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य को किस प्रकार पूरा कर पाएंगे। आज हमने 4 करोड़ का पौधा लगाया है, इसी के साथ मेरा भरोसा पुख्ता हो गया है कि दिसंबर तक हम 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे को देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी उठाया है, इसके लिए प्रयास क्या अगुवाई तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में कहा कि सीआरपीएफ के जवानों को पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया है, उन्होंने पौधे लगाए हैं, 4 करोड़ व पीपल का पौधा लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है, यह एक उपलब्ध हमने हासिल की है। उन्होंने कहा कि केंद्र
रिजर्व पुलिस बल देश के आंतरिक शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका साबित कर चुकी है। अब यह बल लोगों की सांस को बरकरार रखने में अपनी भूमिका निभा रही है। अमित शाह ने कहा कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम नई पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे होते हैं। जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार जो है 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाएगी, लेकिन उसके बाद जो पौधा लगाते हैं वो नई पीढ़ियों को ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी। उधर बिहार में एक बार फिर खूनी खेल हुआ है, क्या है पूरी खबर बता रही हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। वजह एक ही है कि पत्रकार की दिन दहाड़े मौत हो गई है, पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि बिहार के अररिया में सुबह सवेरे की घटना है, जब 4 बदमाश आए थे घर के बाहर, विमल कुमार के घर के बाहर ये बदमाश आए थे और दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने जैसे ही विमल कुमार ने गेट खोला और बाहर आए वैसे ही गोलियों से भून दिया गया। मौके पर बचाव का मौका भी नहीं मिला उनको और उसी समय बदमाश फरार हो गए। इस वाक्य ने पूरे बिहार को एक बार फिर से दहला दिया है। कई सवाल निशान खड़े हो रहे कि दिन दहाड़े इस तरीके की हत्या सुशासन बाबू पे कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहाँ है। ये पहली बार नहीं है जब दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी गई है, इससे पहले भी कई हत्याएं हुई है, तब तब सवाल खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार पे। बीजेपी लगातार हमलावर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार की है और ऐसे में कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम से ठप हो चुकी है, जंगल राज एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रहा है। बता रहे कि 4 बदमाश सुबह सवेरे आए थे और विमल कुमार का दरवाजा खटखटाया था, उस समय जैसे ही विमल ने दरवाजा खोला गोलियों से भून दिया गया। विमल का एक बेटा और एक बेटी है, पत्नी का रो का बुरा हाल है, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 2019 में उनके भाई की हत्या हो गई थी, उसके एक मात्र गवाह थे विमल, जिनकी सुबह सवेरे हत्या कर दी गई। अब सवाल कई उठ रहे हैं, सवाल का जवाब कब नीतीश बाबू देंगे यह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन निक्की के साथ स्वीटी देखिए। चारा घोटाला मामले में आरजेडी नेता लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्या है पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी अमन त्रिपाठी। आरजेडी लालू यादव की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू यादव चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे। उस वक्त लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे जिस समय चारा घोटाला हुआ था। 950 करोड़ रुपए का ये कुल घोटाला था, जिसमें सरकारी खजाने से पशुधन को लेकर आवंटित किए गए बजट में से पैसे गबन किए गए थे। वहीं आपको बता दें, झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला से जुड़े 4 मामलों में लालू यादव को जमानत दे दी थी। इसी जमानत को लेकर सीबीआई ने अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। अब देखना जरूरी यही होगा कि इस मामले में लालू यादव की मुसीबतें खत्म होती हैं या एक बार फिर लालू यादव के लिए चारा घोटाला एक सिर दर्द बन जाएगा। कैमरा पर्सन निक्की यादव के साथ अमन त्रिपाठी। उधर मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शारिक सिद्ध की। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मुरादाबाद जनपद में रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आसपास रामगंगा नदी के रहने वालों के सामने भी समस्या खड़ी हुई है। मुरादाबाद जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा रामगंगा नदी के आसपास मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन की टीमें रामगंगा नदी के आसपास पूरी तरीके से अलर्ट हैं। वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी रामगंगा नदी का पानी घुस गया है, जिसको देखते हुए मुरादाबाद जनपद में सावधानी बरतने को लेकर अपील की गई थी। मुरादाबाद जनपद में लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट हैं और रामगंगा के आसपास रहने वाले लोगों से संपर्क करने का काम किया जा रहा है। लगातार तेजी से जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा था, वहीं अब जल स्तर भी घटने लगा है। पहले से रामगंगा नदी में पानी कम हुआ है, अभी भी रामगंगा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन की ओर से इंतजाम करने चाहिए वो पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। हरदोई में स्वतंत्रता दिवस पर दिए मौलाना के बयान पर हंगामा मच गया है, क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। एक तरफ लोग आजादी का जश्न मनाते, आपको बताते 15 अगस्त वो दिन है जो लोग खुशियों से और हर्षोल्लास से वो 15 अगस्त मनाते हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ वहीं एक मौलाना जो कि हरदोई के गोपा मऊ में एक मदरसे में वहां पे बच्चों को पढ़ाते हैं और वो वहां पे एक भाषण दे रहे हैं कि ऐसी आज़ादी को वो नहीं मानते हैं, ऐसी आज़ादी को वो लात मारते हैं। आपको बता दें, जब ये उनका वीडियो वायरल हुआ, हालांकि पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए
मौलाना को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है कि ऐसा भाषण उन्होंने भड़काऊ भाषण क्यों दिया है। इस पर एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार सिंह पश्चिमी ने भी बताया है कि हाँ, इस पर मामला संज्ञान में आया है और वीडियो की जांच की जा रही है। और ये मौलाना ने ऐसा शब्दों का प्रयोग क्यों किया है, ऐसी कौन सी बात थी जो मौलाना ने ये कहा है कि इस आज़ादी से वो खुश नहीं है, उसकी जाँच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि मौलाना को क्या सजा मिलती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। उधर कानपुर में तमंचा दिखाकर युवक से 45,000 की लूट की है। क्या है पूरे मामला बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। कानपुर में बदमाशों ने युवक के साथ तमंचे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है और ये लूट रात में नहीं बल्कि दिन दहाड़े दी गई है। पूरा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र इलाके के गुलाबी बिल्डिंग के पास का है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो युवक है, पीड़ित युवक, वो BOB बैंक में अमाउंट जमा करने गया था, जिसके बाद वहां पर जो दो शख्स मौजूद थे और वहां पर उससे बातचीत करने लगे। जो बदमाश थे, उन्होंने जो युवक है उसको अपनी बातों में उलझाकर उसको बैंक से बाहर लेकर आए, जिसके बाद जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उन्होंने उस पर तमंचा तान दिया और उसके पास मौजूद जो 45,000 रुपये थे वो लूट लिए। हालांकि पीड़ित की शिकायत पे वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची है और जो बैंक में जो CCTV फुटेज लगे हैं, जो आसपास के CCTV फुटेज हैं, उसकी जांच कर रही है। फिलहाल की बात करें तो जो एक युवक है, बताया ये भी जा रहा है कि उसकी पहचान हो गई है, क्योंकि वो कैमरे में जो है वो कैद हो चुका था और एक की तलाश की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने एक टीम भी गठित की है जो कि लगातार इस पर जांच कर रही है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बना है कि दिन दहाड़े एक युवक के साथ एक भीड़ भाड़ वाले एरिए में तमंचे के बल पर लूट हुए है, तो कहीं ना कहीं ये कमिश्नरेट, जो कानपुर कमिश्नरेट है, उसका भी फेलियर नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की बात करें तो अभी जांच जारी है और जांच में जो पुलिस है वो पीड़ित से भी पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकेंगी। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वाइज। वहीं महुआ में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता शारिक नवाज। महुआ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर अवैध असला फैक्ट्री में लिप्त 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा कहा गया है कि ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों की लगातार गिरफ्तारी की जाएगी और खुलासे किए जाएंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा टीम को इनाम देकर भी सम्मानित किया है। महुआ से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। वहीं आगरा में BJP नेता को गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया है। क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता सचिन गुज्जर। आगरा से जब दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, 2 दिन पूर्व 16 अगस्त को भाजपा नेता राकेश यादव को लगातार फायरिंग की गई, लगातार गोलियां चलाई गई। राकेश यादव को 2 गोली लगी। हालांकि आपको बता दें, राकेश यादव अब खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज आगरा अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, जब एक नया मोड़ आज पुलिस को मिला, जब CCTV वीडियो जब पुलिस को मिला, तो कहीं ना कहीं नया सुराग और नई कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर पुलिस के लिए बताई जा रही है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये है कि भाजपा सरकार में होते भी भाजपा नेता को गोली मारी जा सकती है, तो आम जनमानस के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था भाजपा सरकार की है। आपको बता दें, लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और CCTV फुटेज वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, बाइक सवार बदमाश लगातार राकेश यादव, भाजपा नेता राकेश यादव पर ताड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। उसी बीच राकेश यादव को हाथ में पैर में गोली लगी और उनका इलाज आगरा अस्पताल में चल रहा है। आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुजर की रिपोर्ट। रायबरेली में दरोगा पर SP ने कार्रवाई की है। क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो सरकार की छवि पर धब्बा लगाते हुए देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। उसी क्रम में रायबरेली जिले के पुलिस अधीक्षक आलोकप्रीत दर्शी ने एक घूसखोर दरोगा पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक तैनात दरोगा ने एक धोखाधड़ी के मामले की जांच करने के नाम पर 3.5 लाख रुपए पार कर दिए और उसके बाद परिजनों की शिकायत हुई। जो पीड़ित लोग थे, उन्होंने तत्काल SP आलोक प्रियदर्शी से पूरे मामले की शिकायत की, तो SP ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित CO को जांच करने के निर्देश दिए। हालांकि जांच के बाद CO की तहरीर पर
आरोपी दरोगा के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और उससे पहले ही एसपी ने तत्काल दरोगा को सस्पेंड करते हुए उसके ऊपर विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पर लखनऊ के रहने वाले एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी के मामले में कानपुर व नसीराबाद थाना क्षेत्र के दो लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराया था। और आपको बता दें कि उसी मामले में जांच को लेकर जो है संबंधित दरोगा ने कानपुर जाकर वहां से उस व्यक्ति को उठा लाया और उससे जांच करने लगा। हालांकि आपको बता दें कि जब पीड़ित व्यक्ति के लड़के ने जब मोबाइल पर दरोगा से बात किया तो दरोगा ने 5 लाख रुपए की मांग की और कहा कि 5 लाख रुपए दे दीजिए, इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। रायबरेली में स्कूली बच्चों के बीच गैंगवार हुई, क्यों हुई, क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। एक निजी विद्यालय के दो पक्षों के बीच में आपसी कहासुनी ने विकराल रूप धारण कर लिया और बात इतनी बढ़ गई कि चलती हुई बस पर, स्कूली बस पर बच्चों के द्वारा पथराव किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के एक निजी विद्यालय का है, जहां बच्चों के दो गुटों में आपसी कहासुनी हुई थी और कहासुनी का खतरनाक परिणाम सामने देखने को मिल रहा है। बता दें कि स्कूली बस पर, चलती हुई बस पर कई किलोमीटर तक बच्चों ने पीछा करते हुए उस पर पथराव किया और पथराव करने के बाद उसका शीशा टूटा, जिसमें सवार बच्चों के द्वारा हाहाकार मच गया और बच्चों के द्वारा कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर दहशत में देखने को मिला। आपको बता दें कि इस पूरे मामले घटना चक्र का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद विद्यालय प्रबंध तंत्र व पुलिस हरकत में आई और पुलिस के द्वारा पूरे मामले में लगभग एक दर्जन बच्चों को बुलाकर उनके अभिभावकों के साथ में उनको हिदायत दिया गया और कहा कि अगली बार ऐसी घटना सामने आई तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं विद्यालय प्रबंध तंत्र की बात करें तो विद्यालय प्रबंध तंत्र की तरफ से एक दर्जन बच्चों को रिस्ट्रिकेट करते हुए उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें पूरे मामले में एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया है कि पूरे घटना चक्र का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए एक दर्जन बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ में थाने बुलाया और उनको चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर घटना अगली बार ऐसी प्रकाश में आई तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं घटनाक्रम में प्रयोग की गई 2 मोटरसाइकिलों को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस रायबरेली। मोतिहारी में पुलिस और उत्पाद विभाग को एक साथ दो दो बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्या है पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। पुलिस और उत्पाद विभाग के पुलिस की एक मिली कामयाबी, आपको 24 घंटा में 3 ट्रक को किया गया बरामद। जो ट्रक पर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ, वहीं पहला घटना उत्पाद विभाग के द्वारा छतौनी बरियारपुर से एक ट्रक को किया शराब से भरी हुई ट्रक को किया गिरफ्तार। वहीं ड्राइवर और खलासी के साथ 2 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। अब उस ड्राइवर और खलासी और शराब माफिया से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं दूसरा घटना आपको पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के चोरमा से ट्रक से उतरते हुए पुलिस पहुंची, तब तक उत्पाद अधीक्षक की गाड़ी देखकर तस्कर वहां से हुए फरार, वहीं से ड्राइवर भी फरार, लेकिन भारी मात्रा में ट्रक पर शराब बरामद किया। वहीं उत्पाद अधीक्षक अपने थाना पर लाकर शराब की गिनती कर रही है, कितनी शराब है। लगभग 13,80,000 बोतल की उत्पाद अधीक्षक ने बताया। अभी गिनती चल रही है, अब देखना है कि शराब माफिया कितना काम कर रही है, लेकिन अब पुलिस विभाग या उत्पाद विभाग हर जगह छापामारी कर रही है, लेकिन तस्कर अपना ये धंधा छोड़ रहे हैं। बहुत बिहारी से धर्मेंद्र कुमार की संभल में सबर कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको बताते चलें, जनपद संभल की पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक ट्रक में जो काफी संख्या में गाड़ी भरी हुई थी, वहां के ड्राइवर वहां से जो है रफू चक्कर होकर फरार हो गया किसी एजेंसी पर। वो मोटरसाइकिल जा रही है जिनकी कीमत 1,00,000 बताई जा रही है। यही बताया जा रहा है 46 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है।
देर रात पुलिस को सूचना मिली थी और मुखबरी की सूचना पर जिस तरह से पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद में एक कंटेंट ट्रैकर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उसके जो ड्राइवर था वो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा माफिया है और उसने जो है गाड़ी के लिए वहाँ से हाथरस से वहाँ से चोरी कर लिया गया था, जो कहीं जो एनसी पर गाड़ी जा रही थी, मोटरसाइकिल जा रही थी जी वो, और उसमें से चार गाड़ी इन्होंने बेच दी थी मोटरसाइकिलें, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली गई। छह आरोपी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल उठता है जिस तरीके से पुलिस को कामयाबी मिली है और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह जहां पुलिस मौके पहुंची, पहुंचने के बाद में गाड़ियों के लिए बरामद कर लिया गया है। संभल पुलिस ने ये बताया कि यहां पर जो है संभल के आरोपी हैं और संभल आने के बाद में वो गाड़ियों को बेका करते थे, तो इसी को देखते हुए वहां पर जाँच की जा रही है इनका कितना बड़ा गैंग है और कहाँ कहाँ इन्होंने गाड़ी बेचते थे, पहले कितनी गाड़ी ये बेच चुके हैं, जिस तरीके से ये गाड़ी बेचते करते थे। और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जो गाड़ी का ड्राइवर है, वो ही उस गाड़ी के लिए वहां से फरार हुआ था हाथरस से लेकर के और संभल लेकर आया था। संभल लाने के बाद में उन गाड़ियों को बेचा जाता था। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण का हमारे संवाददाता अवैध कैंट्रा ने जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जगह जगह जो नुकसान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरसती हुई बारिश आफत की बारिश बन रही है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हम कह सकते हैं जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बारिश के चलते जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर यहाँ पर चल रहे हैं। जगह जगह जो छोटे छोटे जो नाले होते हैं, जो गदेरे होते हैं, वो अपने उफान पर यहाँ पर चल रहे हैं। नदियों में गिरने के कारण नदियों का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस नुकसान का जो असली कारण है वो आप देख सकते हैं कि नदी के बीचों बीच में जिस प्रकार से अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है, यानी जो कब्जे करके जो अवैध निर्माण यहाँ बन रहे हैं, वो नुकसान का सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ पर देखने को बनता हुआ नजर आ रहा है। और रायपुर क्षेत्र के इस समय बांदल नदी के ऊपर में आप देख सकते हैं कि नदी का पूरा तट है। तो रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।